ओके यस गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी देखा था कि किस तरह से ईएमएफ जनरेट होता है व्हेन द फ्लक्स इज चेंज्ड, ठीक है ना। और उसमें भी हमने लेंज लॉ भी देखा था, ठीक है ना, फैराडेज लॉ इन अलोंग विद द लेंज लॉ, ठीक है ना। फैराडेज लॉ गिव्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, एंड द लेंज लॉ गिव्स अस द डायरेक्शन, राइट, डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। तो इसमें लेंज लॉ का एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो हमको समझना है अच्छी तरह से। लेंज लॉ कैन ऑल्सो बी यूज इन दिस वे। इट इज ऑल्सो एक्चुअली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे कि उस दिन भी बताया था कि अगर सपोज एक कॉइल हमारे पास है, ये सपोज एक कॉइल है और इस कॉइल के आसपास एक मैग्नेट है, ये सपोज मैग्नेट है। अगर इस मैग्नेट को हमने नजदीक लाया तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि ये कॉइल के अंदर एक करंट चालू हो जाता है और ये कॉइल खुद एक मैग्नेट के जैसा काम करता है, और उसका जो नॉर्थ पोल है वो इस तरफ फेसिंग रहता है और ये जो साइड है वो साउथ पोल बनता है। और जो इसकी वजह से क्या होता है कि ये मैग्नेट जो है इट इज अपोज्ड फ्रॉम कमिंग क्लोजर, एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस मैग्नेट विल हैव टू डू सम वर्क इन ऑर्डर टू पुश दिस मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल, एंड दैट वर्क डन विल एक्चुअली गेट कन्वर्टेड इन टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच अपियर्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट। ओके, एंड इफ सपोज वी मूव दिस मैग्नेट अवे फ्रॉम दिस कॉइल, ऑटोमेटिकली द साउथ पोल विल बी क्रिएटेड हियर विच विल ट्राई टू अट्रैक्ट दैट मैग्नेट एंड इट विल अपोज इट दिस मैग्नेट अगेन फ्रॉम मूविंग अवे फ्रॉम द कॉइल, एंड इन ऑर्डर टू मूव इट अवे विल हैव टू डू सम वर्क, एंड दैट वर्क विल कन्वर्टेड इन टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच अपियर्स इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कॉइल। यस, अगर ऐसा नहीं होता, मान लो 2 मिनट के लिए ऐसा मान लो कि बाय चांस अगर गलती से कभी ऐसा हो गया कि जैसे हमने इस मैग्नेट को नजदीक लाया तो सडनली यहाँ पे साउथ पोल क्रिएट हो गया और नॉर्थ पोल इस तरफ क्रिएट हो गया। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? हमको ये मानना पड़ेगा कि जैसे ये नॉर्थ पोल साउथ पोल क्रिएट हो जाएंगे दे विल जस्ट स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर, एंड बिकॉज ऑफ दिस द कॉइल विल ट्राई टू अट्रैक्ट दिस मैग्नेट एंड दिस मैग्नेट विल जस्ट मूव फास्टर ड्यू टू द अट्रैक्शन, एंड व्हेन दिस मैग्नेट विल स्टार्ट मूविंग फास्टर इट द मैग्नेटिक फ्लक्स विल चेंज एट द फास्टर रेट बिकॉज ऑफ दैट, एंड इफ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस एट अ फास्टर रेट इट विल इंड्यूस्ड मोर इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल एंड दैट विल प्रोड्यूस मोर करंट स्ट्रेंथनिंग द मैग्नेटिक फील्ड वंस अगेन एंड स्ट्रेंथनिंग दिस पोल स्ट्रेंथ ऑफ दिस पोल which will attract this magnet in turn more strongly and this cycle will continue and this magnet will be pulled towards the coil on its own and this electric current will also be generated from nothing. That means we will get energy from nothing, but this is not possible in nature. नेचर के अंदर हम जानते हैं कि there is a law of conservation of energy which will not allow this to happen. ऐसा होने के लिए ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो लिमिटेशन डालता है। ऐसा हो नहीं सकता है कि कॉइल जो है वो मैग्नेट को खुद ही अट्रैक्ट भी करे और मैग्नेट के अट्रैक्ट होने की वजह से मैग्नेट का स्पीड बढ़ जाए और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट भी पैदा हो। जैसे हमने इस मैग्नेट को सिर्फ नजदीक लाके छोड़ दिया तो उसके बाद कॉइल इस मैग्नेट को अट्रैक्ट भी करेगा और इलेक्ट्रिक करंट भी उसमें ही जनरेट होगा। इतना मेहरबान नेचर तो नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि इफ वी डू सम वर्क और इफ वी कंज्यूम सम एनर्जी ऑन वन हैंड देन द इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी प्रोड्यूस्ड ऑन द अदर हैंड, राइट। अगर हम एक तरफ कुछ वर्क डन करते हैं, एक तरफ कुछ ना कुछ अगर हम एनर्जी कंज्यूम करते हैं, तब जाके दूसरे फॉर्म का एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे हम जो वर्क डन कर रहे हैं इस मैग्नेट को पुश करने के लिए जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो फोर्स कुछ ना कुछ वर्क डन कर रहा है, एंड दैट वर्क डन विल गेट कन्वर्टेड इन टू द इलेक्ट्रिक एनर्जी दैट इज सेंसिबल। ये सेंसिबल हम समझ सकते हैं, बट इफ सपोज इट इज हैपनिंग, इफ यू एज्यूम दैट दिस मैग्नेट इज जस्ट पुल्ड एंड पुश्ड
slightly and this magnet will get attracted and on its own, and this work done work will be done all by the coil, and the energy will be produced in the coil itself, then that is not going to happen in the nature because of the law of conservation of energy. Remember, even इससे भी आगे जाके हम ये भी समझ सकते हैं कि इसका एक दूसरा एग्जाम्पल है लेंजेस लॉ का. समझो इसको ठीक से. ओके, सो लेंजेस लॉ का जो दूसरा एग्जाम्पल है तो वो हम समझ सकते हैं आराम से. अगर मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड है और इस स्पेस में ऑलरेडी बना हुआ है, सपोज ठीक है, और एक कॉइल है हमारे पास, ठीक है, ये या एक रिंग है, ठीक है, एंड दिस रिंग इज सपोज एंटर्स इनटू द मैग्नेटिक फील्ड. ओके, ये रिंग समझो एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इस तरफ अगर वो मूव करता है तो क्या होगा इस केस में, जैसे ये कॉइल एंटर करेगा तो उस केस में इस कॉइल के अंदर फिर से करंट पैदा हो जाएगा. ठीक है, जस्ट थिंक अबाउट दिस सिचुएशन, आई जस्ट कम बैक इन 2 मिनट्स. सो सी हियर, इट्स अ सिंपल सिचुएशन इन विच व्हेनेवर दिस रिंग इज जस्ट मूव्ड इनसाइड, व्हाट हैपेंस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू रिंग विल जस्ट गेट इंक्रीज्ड. तो जैसे ही ये रिंग अंदर जाएगा तो उसके अंदर पहले मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या? बिल्कुल नहीं. लेकिन जैसे वो अंदर चला जाएगा तो उसकी वजह से उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा. जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ने लगेगा तो इस कॉइल के अंदर करंट इस तरह से फ्लो होगा, देखो इस तरह से ये डायरेक्शन में फ्लो होगा करंट, जिसके कारण एक इसका किस कॉइल के खुद का एक मैग्नेटिक इंडक्शन पैदा होगा, जो कि अभी इस केस में सॉरी अभी इसमें जो करंट पैदा होगा वो ऐसा होना चाहिए जो इस मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ने से रोकने वाला होना चाहिए, रोकने वाला. तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल द करंट विल बी इन दिस डायरेक्शन, सो दैट द मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी आउटवर्ड्स, एंड दिस मैग्नेटिक फ्लक्स विल जस्ट ट्राई टू अपोज द इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स हियर. तो जैसे हम कॉइल अंदर लेके जाएंगे तो इस कॉइल के अंदर एक एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होने लग जाएगा, जो अपना एक खुद का मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा करेगा जो इस वाले मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा या कैंसिल करेगा, थोड़े समय के लिए वो उसको रोक के रखेगा, बढ़ने नहीं देगा, ठीक है. लेकिन जैसे ये पूरा कॉइल अंदर चला जाता है, when this coil will be inside, completely inside in this magnetic field, there will be no induced EMF produced in this coil, or there is no current in this coil, even if it is moving, just because there is no magnetic flux changing here. Okay? इस कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो उतना ही है ना, कॉन्स्टेंट है, भले ये आगे चल के ये कॉइल जो आगे बढ़ रहा है, but still whenever this coil will just exit from this magnetic field, to yahan pe jab ye magnetic field mein se bahar aane lagega to fir se ek baar hum dekh sakte hain ki yahan pe magnetic flux jo hai wo kam hone lagega, dheere dheere ye magnetic flux dheere dheere kam hota jayega, weak hota jayega, kyunki coil hi aage ja raha hai, coil hi bahar nikal raha hai. Lekin abhi is halat mein is magnetic field flux ko change na hone dene ke liye this time the current will get reversed and the opposite current will be produced in this coil, which will be this time clockwise. Okay, abhi is case mein ye current jo hai wo clockwise direction mein hoga, is tarah se jo ek khud ka ek magnetic field paida karega, jo ki abhi is case mein is direction mein hoga, andar ke direction mein hoga, jo is magnetic field ko khatam nahi hone dega aur is magnetic field ko barqarar rakhne ke liye ya maintain karne ke liye kaam karega. और इसी वजह से ये हम एक तरफ से लेंज लॉ का एक एप्लीकेशन समझ सकते हैं, नो डाउट. चलो ये एक हमने एक देखा, और अभी कल के एक लेक्चर में हमने ये देखा था कि दो एक डेरिवेशंस किए थे, जिसमें फर्स्ट वाला क्या था, इट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन अ रॉड व्हिच इज कंटिन्यूअसली रोटेट कंटिन्यूअसली मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड. We already seen that whenever a rod is moving in a magnetic field, the induced EMF produced in it is given by BLV, this formula. And whenever the same rod of length L is just rotated in a magnetic field, then the induced EMF produced in it is given by the different formulae, one of which is half BLV, where V is going to be the
velocity of tip point of that rod. The second is simply half b omega into l squared. Correct? And the third one can be written to be equal to simply b f into pi l squared. Correct? So ये तीन फॉर्मूले हमने डिराइव किए थे कल के लेक्चर में ऑलरेडी. यस, अभी आज के लेक्चर में हमको इससे भी आगे का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डेवलप करना है, विच इज अबाउट द इंड्यूस्ड ईएमएफ. ओके, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल रोटेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड. देखो ठीक से, यहां पे ये अलग कंसेप्ट है. सो द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल व्हिच इज रोटेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, यू मस्ट हैव बीन सीन इन द 10th स्टैंडर्ड द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर. रिमेंबर इट, इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर हम देखते हैं कि देयर इज अ मैग्नेट, हॉर्सशू पोल मैग्नेट लाइक दिस हियर. And it consists of the south pole and north pole. Suppose this is north pole and this is the south pole. And suppose that there is a coil kept in this magnet. So this type of a coil is kept here in this magnetic field like this. And this coil is just rotated continuously. अब यहाँ पे क्या है ना कि एक shaft होता है जिसकी वजह से ये भले वो कॉइल रोटेट हो रहा है लेकिन ये जो है टर्मिनल्स रोटेट नहीं होंगे. मतलब यहाँ पे एक ऐसा शाफ्ट होता है, एक अंदर के वायर के साथ कनेक्टेड होता है और एक बाहर वाले वायर के साथ कनेक्टेड होता है, जिसकी वजह से ये रोटेशन भी पॉसिबल होता है और कनेक्शन जो है वो सेपरेट रहते हैं. तो ये कॉइल के जो दोनों एंड पॉइंट्स है वो टच नहीं होते एक दूसरे को. बट अब यहाँ पे इसमें क्या है कि बाहर वाला जो एंड पॉइंट है वो कनेक्टेड होता है एक पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, मतलब ये एक बल्ब के साथ कनेक्टेड होता है. ये पूरा सिस्टम जो है, दिस होल सिस्टम विल एक्चुअली एक्ट एज अ जनरेटर. इमेजिन करो, ये रोटेशन का थोड़े समय के लिए बाजू में रखो. सपोज ये कॉइल के दो टर्मिनल्स है और इसको अगर हम सपोज एक बल्ब यहाँ पे लगा देते हैं, तो देखो यहाँ पे ठीक से, जैसे ही ये बल्ब हम यहाँ पे लगा देते हैं तो इसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही ये कॉइल रोटेशन करना चालू करेगा, सो एज़ सून एज़ दिस कॉइल विल स्टार्ट रोटेटिंग, व्हाट विल हैपन इज द बल्ब विल ग्लो हियर अल्टरनेटली. तो ये बल्ब जो है वो simultaneously glow hoga and the current in this bulb will just be alternating. That means when this coil will just flip once here, the bulb will glow twice, because when the plane of this coil will be horizontal, that is in the parallel to the magnetic field, at that time the rate of change of magnetic flux will be maximum, because it will be cutting the magnetic lines of force very fast at that time. Okay, ye coil jo hai to uske andar pass hone wala jo magnetic field hai wo bahut high speed mein cut ho raha hoga, kyunki ye jo hai ye part niche ja raha hai aur ye wala part upar ki taraf ja raha hai, aise wo rotate ho raha hai. Theek chalega na? To jaise hi ye coil rotate hoga to ye jaise hi wo rotate hoga to jab horizontal position mein aata hai to bulb will glow more brightly, and when this coil becomes vertical the magnetic flux almost remains constant. It is not changing at a very high speed. It is almost constant. And that's why the bulb will stop glowing there, right? No current will be induced or produced in this bulb. But once again, when the coil will just become flipped and we'll rotate through 180 degree and will just become parallel once again to the magnetic field, the bulb will start glowing with a maximum intensity once again. And again, when this coil will just become vertical and become perpendicular to the magnetic field, the bulb will stop glowing. That means just frequency pe ye coil rotate ho raha hai, uske double frequency pe wahan pe bulb jo hai wo chalu ban hota rahega. Ye hota hai aur iska reason wahi hai actually. There is a Faraday's law working here. So yahan pe bhi Faraday's law kaam kar raha hai. Aur jo EMF is coil ke andar induce hota hai ya is bulb ke andar produce hota hai, wo EMF alternating EMF kehlata hai, kyunki uska direction और मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है. डायरेक्शन चेंजेस अल्टरनेटली, सम टाइम इट इज क्लॉकवाइज. तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो डायरेक्शन है वो कभी ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, जो इट विल कॉज अ करंट टू फ्लो थ्रू दिस बल्ब इन दिस क्लॉकवाइज डायरेक्शन,
and in the just next half cycle, the polarity will get reversed, and this terminal will become positive, and this one will become negative, so that the current produced here in this coil will just get reversed, and it will be anticlockwise like this. So in this way, जैसे ये coil rotate हो रहा है continuously, तो एक cycle में दो बार ये जो polarities है, positive negative इस तरह से vary करते हैं और change होते रहते हैं. Now सिर्फ polarities are changing. Not only the direction of induced GMF is changing, but the value of induced GMF also changing at every instant. It changes from zero to maximum, and again maximum to zero, and again zero to maximum in the negative side, and again maximum to zero in the negative side. So that's why this EMF is called as the induced EMF. And now we have to see the working of this coil mathematically. Now abhi ek derivation ke zariye humko ye dekhna hai exactly what happens in this coil here. So is coil ke andar exactly kya hota hai wo humko abhi dekhna hai is derivation ke andar. So let us see the derivation. Abhi is derivation ke andar kya hai, humko sirf coil draw karna hoga aur ye magnets draw karne ki zarurat nahi hai. Just we'll have to draw the magnetic field so as to apply the theory on it. To yahan pe theory apply karne ke liye हम यहाँ पे दिखा देंगे. ये सपोज मैग्नेटिक फील्ड है विच इज हॉरिजॉन्टल ऑलरेडी, एंड सपोज द कॉइल मे बी रेक्टेंगुलर और मे बी सर्कुलर, इट डजंट मैटर. सपोज दिस इज द कॉइल विच इज रेक्टेंगुलर एंड इट इज सपोज वर्टिकल इनिशियली. ओके, ये कॉइल जो है वो पहले कैसा था, वर्टिकल था. ठीक है, yes, but so the plane of the coil will be perpendicular to the magnetic field in this case, but after some time, suppose this plane of the coil becomes at angle theta with this magnetic field. Theta jo plane hai wo is tarah se theta angle karega is magnetic field ke sath. Yes, but now once again here we are not to consider the angle made by the coil with magnetic field, but we have to consider the angle made by the normal to the coil with the magnetic field. Okay, to is coil ka jo normal hota hai wo kitna angle karta hai magnetic field ke sath, that is more important rather than the just angle made by this coil with the magnetic field. Yes, so if suppose we consider this normal, to yahan pe ek normal hum draw karenge jo iske sath correspond karta hai. जो वर्टिकल ये प्लेन है, वर्टिकल प्लेन के साथ करेस्पॉन्ड करने वाला जो नॉर्मल है वो कैसे हम दिखाएंगे, इट विल बी लाइक दिस. सो दिस इज द नॉर्मल करेस्पॉन्डिंग टू दिस वर्टिकल पोजीशन ऑफ दिस कॉइल. ओके, एंड सपोज दैट एरिया ऑफ द कॉइल इज गोइंग टू बी ए. सपोज तो ए बार विल बी द एरिया वेक्टर ऑफ दिस कॉइल, एंड दिस वेक्टर इज हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज दैट ऑफ द एरिया ऑफ दिस कॉइल. ओके, बट व्हेन दिस कॉइल विल जस्ट टर्न थ्रू एन एंगल थीटा with its vertical position, then this normal will also turn right through the same angle theta, and this normal will become like this. Okay, we can call it as A bar once again, and the angle between the initial position of this normal and this final position of this normal will also be the same, that is theta. Correct hai? But don't forget here that this coil is continuously rotating. Okay, continuously rotating. So sometimes it may be like this, sometimes it may be like this, or sometimes it may be parallel to the magnetic field, or it may be making an obtuse angle or making 180 degree angle. Sometimes it will make 270 degree angle, and sometimes it may make the 360 degree angle also. So continuously this coil is rotating. This position is just a instantaneous position or intermediate position, we can say P P dash. Okay, and here O O dash is going to be the initial position of this coil when the coil was perpendicular to the magnetic field, and the area was in this way, area vector was parallel to the magnetic field. B is suppose the magnetic induction of this field. Okay, so tell me first of all, what will be the magnetic flux passing through this coil in this position initially? Can you tell me? Put it in the chat box first. Yes, be active.
Yes, Kaveri. Okay, chalo. See here, what is the magnetic flux passing through this coil when this coil is going to be perpendicular to the magnetic field? It's not zero or Rithvik. See here, whenever there is a magnetic field like this, and the area is going to be perpendicular to that, then maximum magnetic flux will be passing through this coil, isn't it? Maximum, because the normal to this coil will actually be perpendicular, right? And the magnetic, normal to the coil will be parallel. Okay, and what is the magnetic flux given by? It is given by the formula phi is equal to B into ds into cos theta, where theta is going to be the angle between this coil and perpendicular to the coil and magnetic induction, correct hai? So is formula ke hisab se yahan pe theta kitna ban raha hai? Dekho, in the initial position the magnetic induction will be just parallel to the area, correct hai? So we can get the angle between them to be zero, right? And hence we can say मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस कॉइल इन द इनिशियल पोजिशन ऑफ दिस कॉइल विल बी एक्चुअली फाइ नॉट विच इज गोइंग टू बी बी इंटू ए इंटू कॉस जीरो एंड कॉस जीरो इज गोइंग टू बी वन एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दिस मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी पासिंग थ्रू दिस कॉइल इन द इनिशियल पोजिशन वन मोर थिंग इज दैट इफ दिस कॉइल हैज एन टर्न्स देन वी कैन ऑल्सो multiply this by n because the magnetic flux will be passing through each turn and that's why the total magnetic flux passing through this coil in the initial position will be nba. Getting it? Okay, but now if suppose this coil is just tilted through an angle theta and suppose this normal area or vector area is making an angle theta with the magnetic induction, then in that case, as we have already seen, we will have to resolve this एरिया वेक्टर, ओके? इस एरिया वेक्टर को हमको रिजोल्व करना पड़ेगा और उसका जो कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में वो कंसीडर करना पड़ेगा एंड वी कैन से दैट इन जनरल एट एनी टाइम टी, ओके, टाइम इंस्टेंट टी, द मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस्ड इन दिस कॉइल विल बी गिवन बाय फाइ दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू एन बी ए इंटू कॉस थीटा. यहां तक समझा के ठीक से? कॉस थीटा कैसे आया? ये ऑलरेडी हमारे पास फॉर्मूला है, ऑलरेडी हमने ये फर्स्ट लेक्चर में डिराइव किया था, अगर आपको याद है. सो वी हैव डिराइव्ड दिस फॉर्मूला इन द फर्स्ट लेक्चर, सो वी कैन जस्ट यूज इट हियर एंड गेट दिस एज अ मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस कॉइल इन दिस पोजिशन ऑफ दिस कॉइल. यस, बट ऑलरेडी वी नो दैट थीटा इज गोइंग टू बी इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, राइट? जस्ट बिकॉज इन केस ऑफ द सर्क्युलर मोशन द एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन बाय द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. So if we just take this time in that side, then we can get this theta is equal to omega into t. Okay, so if we just put it here, then we can get this phi is equal to n b a into cos omega t. Correct? Hai? So this becomes the formula for magnetic flux passing through this coil at any general instant t. Okay, even we can also express this omega as 2 pi f, where f can be written as a frequency. So if we just replace this omega by 2 pi f, then we can also write this phi to be simply equal to n b a into cos bracket mein kya aayega dekho 2 pi f into t, correct hai? Okay, to abhi yahan pe dekho ye phi jo hai, this is the instantaneous magnetic flux passing through this coil in any position in general, okay?
But now, if we just differentiate this equation, then and then only we can be able to get the EMF, induced EMF in it. Because we already have proved the Faraday's law. What is this? Faraday's law tells us. So see, Faraday's law tells us simply E is equal to minus of d phi by dt. Okay. So this is the Faraday's law. If we just put this value of phi here, then what can we get here is simply E is equal to minus of d by dt of phi, where phi is this whole thing here, right? So if you just put it here, then you can get this simplified as n b a into cos of this 2 pi f into t, okay? And bracket closed here. Now if we simplify this further, because we know that derivative ke rules kya hote hai, derivative ke andar agar jo bhi constant hota hai to wo constant bahar aa jata hai, to isliye hum isko hum likh sakte hai e is equal to minus as it is n b a can be taken out, right? And what we are left here inside is simply d by dt of cos 2 pi f t, correct hai? Yes, but already as we know that derivative of cos x kitna hota hai batao, ye chalo cos of kx kitna hota hai, ye formula hai na abhi yaad rakhne se, cos of kx ka formula kya hota hai? Cos kx is differentiated as k into minus sin x, correct hai? So it will be minus k sin x, barabar hai sin kx. Matlab simply kya hai na ki cos kx ka derivative banta hai sin k minus sin kx, and this should be multiplied with the derivative of k itself separately so that we can get the derivative of this cos kx. Okay, to ye humko use karna hai yahan pe. Chalo to agar hum ye karenge yahan pe to dekho kya hoga next step mein. So this e can be written equal to minus n b a kept as it is, and here what is the derivative of this cos 2 pi ft? It's going to be minus sin 2 pi ft, remember. So here it will be minus sin bracket mein 2 pi f into t, but this actually should be multiplied with the derivative of, so the derivative of 2 pi f t itself, okay, which is there in the bracket. Yes, yes. So if we just try to solve this further, then what we get in the next step is e becomes equal to minus n b a into, acha ye minus of minus to plus ho jayega ki nahi, okay, so this becomes plus, and hence we get this n b a and multiplied by sin 2 pi f t multiplied with this 2 pi f into t, where 2 pi f is again a constant, can be taken out, and t ka derivative kya banta hai with respect to t? It's 1, and hence we get this 2 pi f. It's that simple. And if we just multiply this 2 pi f with this n b a, then we can just combine it together and say this will be n b a into 2 pi f into sin 2 pi f into t. Okay, this can also be written as this whole thing can be replaced by e naught. E naught, which stands for maximum EMF here. So e can be actually written as e naught sin omega t. Okay, so this actually becomes the final expression for the induced EMF in this coil. Remember, so कोई भी coil जो rotate होता है magnetic field के अंदर, तो उसके अंदर कितना induced EMF पैदा होता है? So this is the expression for that induced EMF. Remember, and here e naught is nothing but this n b a 2 pi f. Here remember that this e naught is going to be the maximum value of that EMF, because if we draw the graph of this EMF with x axis with in y axis, x axis and y axis, to yahan pe x axis pe agar hum yahan pe time plot karte hain ya simply omega t bhi plot karte hain, theek hai, aur yahan pe agar origin hai to yahan pe y axis pe agar e ko plot karte hain, to ye jo value maximum value hai wo e naught kehlayega, aur uska jo minimum value hai to wo minus e naught kehlayega, aur the graph will be a sinusoidal one which will vary between plus e naught and minus e naught, and it will start from zero because sine is there.
So it will be like this. So this type of graph will be obtained for the EMF with respect to time. Remember, so as time goes on increasing, the EMF will go on increasing, will become maximum, and its maximum value is going to be E naught. Again, it will go on decreasing, becomes zero, and again becomes reversed. It changes its polarity. It gets reversed in direction, and then again goes on increasing in the negative side, in the opposite side, and again reaches to the maximum value in the negative side. It becomes E naught, and then again goes on decreasing in the negative side and becomes zero, and once again becomes positive in this way. So alternately, it becomes positive, negative many times per second. लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखो ठीक से कि यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए लगने वाला टाइम जिसको हम यहाँ पे टाइम पीरियड बोल सकते हैं ठीक है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ दिस ईएमएफ विल बी एग्जैक्टली सेम एज द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ दिस कॉइल हियर तो जितने टाइम के अंदर ये कॉइल एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है उतने ही टाइम में वहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ अपना एक ऑसिलेटरी साइकिल कंप्लीट करेगा ओके और इससे भी आगे जाके जिस फ्रीक्वेंसी पे ये कॉइल रोटेट हो रहा है ठीक है तो उसी फ्रीक्वेंसी पे वहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ भी पैदा होगा दैट मींस द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ दिस कॉइल विल बी एग्जैक्टली सेम एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ देयर सो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ जो होता है तो वो हमेशा प्लस माइनस होता है तो एक सेकेंड में हम जो देखते हैं ये जो यूज करते हैं तो वो एक सेकेंड में 50 बार प्लस माइनस होता है क्योंकि वो कॉइल का जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन है वो उधर 50 होता है तो एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे अपीयर करता है तो जिस फ्रीक्वेंसी पे ये कॉइल रोटेट करता है उसी फ्रीक्वेंसी पे ये ईएमएफ अल्टरनेट करता है ठीक है ना अल्टरनेटिंग ईएमएफ का जो फ्रीक्वेंसी है वो एग्जैक्ट उतना ही होता है जितना उस कॉइल का फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन हुआ करता है ओके एंड ये जो प्रिंसिपल है ये जो कंसेप्ट है अच्छा ये पूरा जो डेरिवेशन है वो हम यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू 2πf बिना डाल के भी कर सकते थे दैट वुड बी समवट मोर सिंपल देन दिस इट इज जस्ट होमवर्क टू डू इट ऑन योर ओन यहाँ पे बिना ओमेगा यूज करके करके देखो ये पूरा तुमको बहुत सिंपल जाएगा एकदम इजी हो जाएगा वो डेरिवेशन बट जस्ट अभी क्या है ना कि तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर वो ओमेगा इज इक्वल टू 2πf डाल के किया हुआ है इसलिए तुमको टेक्स्ट बुक के अंदर देख के और यहाँ पे देख के कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसलिए मैंने भी ये ओमेगा के बदले 2πf डाल के उसको किया बट जस्ट रिमेम्बर दैट इट कैन ऑल्सो बी डन बाय विदाउट यूजिंग दिस 2πf इंस्टेड ऑफ दिस ओमेगा हियर जस्ट वो तो वैसे भी कॉन्स्टेंट है यहाँ पे भी ओमेगा ही आएगा अगर तुमको करना ही है तो ये सब ये जो स्टेप मैंने यहाँ पे जो लिखा है वो एक दो मिनट के लिए गायब कर देता हूँ Suppose we keep this as the final equation and just differentiate it and use it here. So यहाँ पे अगर हम इसको use करेंगे तो यहाँ पे 2 pi f के बदले क्या आएगा Simply omega आ जाएगा Correct है So here it will be omega, no doubt. And here again, this cos of 2 pi f, cos of omega into t, ऐसा बनेगा यहाँ पे और जब हम इसको differentiate करेंगे तो cos omega t का derivative क्या बनेगा It will be minus sin omega t and that is to be multiplied with derivative of simply omega t which is already there and which is omega simply so yahan pe fir se kya hoga ek simple omega aa jayega and this omega will multiply nba here not this t kyunki yahan pe sin hai ki nahi to ye pura jo hai wo sin ka bracket hai isko disturb mat karo this omega will directly multiply this nba and hence we can also write this final expression as nba omega into sin omega t as we can see it here and simply we have to replace this whole thing that is nba omega by this e naught here and hence we can get the expression for induced emf produced in a coil which is rotating already in a magnetic field okay so this concept is actually used in the many situations where electricity is produced okay by rotating a coil inside a magnetic field तो जो हम देखते हैं कि जो हाउस होल्ड जनरेटर जो होते हैं कि नहीं जनरेटर्स ठीक है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम लाइट जाने के बाद उसको यूज करते हैं जो डीजल पे चलता है तो वो इलेक्ट्रिकल जनरेटर जो है तो उसके अंदर वही प्रिंसिपल यूज किया जाता है सिंपली एक बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके अंदर एक कॉइल रखा हुआ होता है और उस कॉइल को घुमाने के लिए हम डीजल का इंजिन यूज करते हैं
डीजल इंजन इज यूज टू रोटेट द कॉइल इन साइड दिस मैग्नेटिक फील्ड एंड वंस द कॉइल स्टार्ट्स रोटेटिंग वी कैन गेट अ ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक करंट विच इज सफिशियंट फॉर वन हाउस इन दिस वे. और इवन ये जो बड़े बड़े भाकरा नांगल जो प्रोजेक्ट होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो होते हैं वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं. इन दैट केस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वॉटर इज कन्वर्टेड इन टू काइनेटिक एनर्जी एंड दिस काइनेटिक एनर्जी इज यूज टू रोटेट दिस टर्बाइन्स एंड दिस टर्बाइन्स आर एक्चुअली रोटेटिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड वेन दिस टर्बाइन्स रोटेट इन द मैग्नेटिक फील्ड दे प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी and this electricity is distributed in a whole country. Almost India ka 40% heat jo hai ya electricity jo hai wo is tarah ke hydroelectric power stations use karke hi paida kiya jata hai. And this principle is also used in the dynamo. Dynamo jo ki chota lamp hota hai cycle ke samne jo rakha hota hai jo purane zamane mein log use karte the jiska ek jo jo piche ka jo wheel hota hai ki nahi उस व्हील के साथ एक उसका रिंग कनेक्टेड होता है. जैसे ही व्हील घूमता है तो वो रिंग भी घूमता है और वो रिंग जो है वो एक सिलेंडर के अंदर जाता है और सिलेंडर के अंदर भी यही होता है. मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कॉइल रोटेट किया कराया जाता है जिसकी वजह से ही हम उसके अंदर जो ईएमएफ जो है वो जनरेट कर सकते हैं. सो इन दिस वे वी कैन गेट द ईएमएफ जनरेटेड बाय रोटेटिंग अ कॉइल इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड. यस सो चलो यहाँ पे हमने ये कॉइल के बारे में देखा. सो लेट अस स्टॉप हियर.